नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि DA ही नहीं, इन सब में भी बढ़ोतरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी। जानिए कौन कौन से तोहफे हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहे हैं जिनके कारण केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि पेंशन या गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सरकार आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारी का सिर्फ DA ही नहीं बल्कि ट्रैवल अलाउंस, सिटी अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी में भी इजाफा होगा। साथ ही कर्मचारी का DA और एरियर पर भी खुशखबरी आ सकती है। प्रमोशन का काम भी लगभग पूरा हो ही चुका है। ऐसे में दिवाली से लेकर नया साल आने तक केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले तोहफों की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 3% का महंगाई भत्ता तो बढ़ना ही है, साथ में दूसरे अलाउंस में भी इजाफा होगा जिसमें ट्रैवल अलाउंस, सिटी अलाउंस शामिल है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की कमाई में लगभग इजाफा ही होने वाला है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल का अंत काफ़ी अहम होने वाला है जिसके कारण कर्मचारियों के प्रमोशन की घोषणा जून के महीने में सेल्फ असेसमेंट का काम भी पूरा हो चुका है। ऑफिसर रिव्यू खत्म करने की डेडलाइन सितंबर की थी, फाइलों में आगे बढ़ाया जा चुका है। प्रमोशन होते ही कर्मचारियों की सैलरी में अपने आप इजाफा हो जाएगा। दिसंबर तक अप्रेजल असेसमेंट पूरा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 के बीच DA एरियर की डिमांड रखी गई थी जो कि PM नरेंद्र मोदी तक लिखित में पहुंच चुकी है। कर्मचारियों का कहना है कि DA की तीनों किस्तों का एरियर मिलना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है जिसकी वजह से यूनियन ने PM मोदी से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है। वही सबसे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर बड़ा ऐलान कर चुकी है। वास्तव में जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं हुआ है। वही AICPI के आंकड़े सामने आ चुके हैं जिनकी जानकारी का कहना है कि इंडेक्स के जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं उनमें महंगाई भत्ते की 3% का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो DA 31% हो जाएगा। वास्तव में जुलाई के महीने में सरकार बीते किस्तों का ऐलान करते हुए DA में 11% का इजाफा कर 17% से 28% कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।